Hello everyone, my name is Amanpreet Singh Chadda and I am teaching you one of the most important subjects of civil engineering, which is geotechnical engineering. Geotechnical engineering, jitna aapka strong hoga, utna zyada aap marks score karoge civil engineering competitive exams. Matlab isme kuch zyada bolne ki zarurat hi nahi hai ki if, buts, nothing. जितना ज्यादा जियोटेक्निकल स्ट्रॉन्ग है आपकी रैंक उतनी ज्यादा इम्प्रूव होगी. बहुत सारे हमने इसमें लेक्चर्स कर लिए हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं. जैसे कि हमने भी क्या क्या पढ़ लिया है जरा देखें एक बारी. ओह, कनेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ चल क्यों नहीं रहा. तो भाई हमने बड़े सारे टॉपिक्स पढ़ लिए. सॉइल पैरामीटर्स हम पढ़ चुके हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट्स हम पढ़ चुके हैं, क्ले मिनरोलॉजी, सॉइल स्ट्रक्चर, कॉम्पेक्शन पर हम है. ठीक है, कल आपका एक न्यूमैरेथन सीरीज है, जरूर आइए. न्यूमैरेथन सीरीज में बहुत हेल्पफुल है. आज मैंने RCC में लिमिट स्टेट मेथड पे 20 मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का टॉपिक लिया था. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, थ्योरी को पढ़िए और न्यूमेरिकल को साथ रखिए. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट टीचर. आई हैव गॉट मोर देन 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स आई हैव मेंटर्ड, एंड आई रियली होप कि आप भी, आपके बारे में भी मैं बोलूंगा बहुत जल्द सेशंस में कि देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और बहुत बढ़िया करियर आज बना रहे हैं. देन कम्स सोशल मीडिया हैंडल्स. आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे चेक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. मेक श्योर अनअकैडमी ऐप आप जरूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. आज जो मैंने आरसीसी की क्लास ली है वो ऐप पर ही ली है. बट मेक श्योर जब आप ऐप इंस्टॉल करें तो उसमें अमन चड्ढा सर्च करके यू विल फाइंड मी, बिल्कुल फॉलो करें सो दैट जब भी कोई भी क्लास में लूँ तो यू गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है, कल मतलब 25th ऑफ अक्टूबर को 3 बजे ओपन चैनल फ्लो के 50 सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करेंगे, सबसे बढ़िया क्वेश्चंस. तो एक तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट कवर हो जाएगा और साइड बाय साइड हम कुछ बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ रिवीजन भी करेंगे. देन यू नो हाउ टू इंस्टॉल द ऐप. द मेथड इज वेरी सिंपल. मेक श्योर यू सब्सक्राइब. और ये पुराना डेटा आ गया, ये नहीं है भैया, अब बदल चुका है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट. ठीक है, तो हमने ग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ना था और हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे ये पता चलता है कि एक सॉइल मास में बाकी सब सॉइल्स कितने हैं. सब सॉइल मतलब इनमें कोर्स ग्रेन की क्वांटिटी क्या है, फाइन ग्रेन की क्वांटिटी क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप में से किसी के मन में है कि सर कॉम्पेक्शन हो गया है क्या. नहीं, कॉम्पेक्शन अभी नहीं हुआ है. ठीक है, बट ये टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि पहले हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस नहीं पढ़ा था. मंडे से हम अपना स्टार्ट कर देंगे फिर से कॉम्पेक्शन और कल संडे को हम सॉल्व करेंगे अपना न्यूमेरिकल पार्ट. गुड इवनिंग मिनी वर्ल्ड. अब हम ये पढ़ रहे थे कि सॉइल मास में डिफरेंट पार्टिकल साइज अवेलेबल होते हैं. कोर्स है जिसमें फाइन है, कोर्स का पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा है, फाइन का कम है. तो कोर सॉइल का एनालिसिस करने के लिए कि भाई कोर सॉइल कितना अवेलेबल है इस पूरे सॉइल मास में, हम सीव एनालिसिस करते थे. सीव्स मतलब छन्नी. तो हम सीव एनालिसिस करते थे और सीव एनालिसिस के थ्रू हमने पता किया था कि कोर्स और फाइन ग्रेन की क्वांटिटी कितनी है. तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना इसलिए जरूरी होता है
कि हम पहले ये पता करें कि डिफरेंट पार्टिकल साइज कितने हैं, किस किस क्वांटिटी में है, और फिर इसके बेसिस पर हम सॉइल को वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड या गैप ग्रेडेड बोलते थे। तो सॉइल का ग्रेडेशन दो स्टेप में किया जाता है, एक है सीव एनालिसिस और दूसरा है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो कि फाइन ग्रेन सॉइल्स का होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सीव एनालिसिस, आज हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना है। सीव मीन्स छन्नी, इंडियन स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा साइज 80 mm है, सबसे छोटा साइज 75 माइक्रोन है। साइज का मतलब है जो साइड ऑफ द स्क्वायर बनती है। स्क्वायर मतलब ये आपने स्टील की वायर्स ली और फिर ये हॉरिजॉन्टल वायर्स और वर्टिकल वायर्स जोड़ दी, तो ये जो अंदर स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर की जो साइड होती है उसको साइज ऑफ द सीव बोला जाता है। हेलो पार्थ। फिर पूरा प्रोसीजर हमने समझा, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने पढ़े, सीयू एंड सीडी, ठीक है। 4G पढ़ा हमने कि अगर सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो ग्रेवल है, सैंड के लिए 6 से ज्यादा होनी चाहिए, सीसी की वैल्यू 1 से 3 तक है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, और वेल ग्रेडेड सॉइल के बहुत सारे एडवांटेज है। फिर ग्राफ पढ़ा, अब हम आते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे, अपने मेन पार्ट पर आते हैं। देखिए ये पार्ट सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, बट इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसा भी है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो आज हमने दोनों पार्ट को समझना है, और एक अच्छा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बच्चे स्किप कर जाते हैं। आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आपने भी जियोटेक पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि आपके साथ के कई सारे लोग होंगे जिन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आज आप पढ़ोगे, हाइड्रोमीटर में कुछ फॉर्मूले आते हैं उनका डेरिवेशन मिलता नहीं है आसानी से, और उसका एक्सप्लेनेशन तो और अजीब है। तो आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, और एग्जाम में अगर ये आता है तो आपकी रैंक सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्किप आउट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सीव्स के थ्रू ही हम फाइन ग्रेन सॉइल का एनालिसिस क्यों नहीं कर लेते, हमें सीव के थ्रू ये क्यों नहीं पता चल जाता है कि कितनी मात्रा में फाइन ग्रेन सॉइल है। रीजन ये है कि जो सबसे छोटा साइज सीव का अवेलेबल है वो है 75 माइक्रोन, और हमारा फाइन ग्रेन सॉइल तो 75 माइक्रोन से कम होता है, तो जितना भी फाइन ग्रेन सॉइल है वो सबसे छोटी सीव में से भी पास आउट हो जाएगा। तो हम उनको फ्रैक्शन वाइज नहीं कर सकते, हम उनका ये नहीं पता कर सकते कि क्ले और सिल्ट कितने, क्योंकि क्ले और सिल्ट सीव पर रुकेगा ही नहीं। इस वजह से हम फाइन ग्रेन सॉइल का सीव एनालिसिस नहीं करते हैं। तो अब ये कैसे पता चले कि एक सॉइल मास में क्ले कितना है, सिल्ट कितना है, तो इसके लिए किया जाता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन की सिंपल डेफिनेशन देखें तो ये होता है सेटलमेंट अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जब सेटलमेंट होता है तो उसे सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सो सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, इट इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। और ये सेडिमेंटेशन करने के दो तरीके, एक तो होता है पिपेट, स्कूल में केमिस्ट्री में हम पिपेट पढ़ते थे, दूसरा होता है हाइड्रोमीटर। तो हम हाइड्रोमीटर की हेल्प से ये निकालेंगे कि क्ले का कौन सा पार्टिकल साइज कितनी मात्रा में अवेलेबल। जैसे अभी आपको याद हो हमने कोर्स ग्रेन सॉइल में परसेंट फाइनर निकाला था, एन कैसे 100 माइनस क्यूमुलेटिव, इसी तरीके से अब हम फाइन ग्रेड में भी परसेंट फाइनर निकालेंगे कि ये कैसे आया। तो हमारी जो मेहनत है वो इस परसेंट फाइनर को निकालने के लिए है। बेटा अगर लेस देन 4 है सीयू ग्रेवल के लिए तो फिर वो वेल ग्रेडेड नहीं, वो पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा। अब जो ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ये डिपेंड करता है एक लॉ, स्टोक्स लॉ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। गेट के बहुत सारे क्वेश्चन स्टोक्स लॉ पर ही आते हैं, और ये कॉमन है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में और फ्लूइड मैकेनिक्स में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर प्योरिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा वन ऑफ द मेथड इज सेडिमेंटेशन, फिर इसके बाद फिल्ट्रेशन आता है,
इवन जब आप सीवेज वाटर की बात करते हो वहां भी सेडिमेंटेशन आता है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में तो स्टोक्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक है ड्रैग एंड लिफ्ट, वहां पर भी स्टोक्स लॉ का बहुत यूज होता है। स्टोक्स लॉ आपको ये कहता है कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी को एक इनफाइनाइट एक्सटेंट के फ्लूइड में ड्रॉप किया जाए तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर बॉडीज मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल करेगी। दिस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। और जब आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहां इसका एक और नाम आप सुनोगे, सेटलिंग वेलोसिटी, पार्टिकल्स किस स्पीड के साथ सेटल हो रहे हैं। इसका पूरा एक डेरिवेशन है, बहुत आसान है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू गामा s यूनिट वेट ऑफ द पार्टिकल जो फॉल कर रहे हैं, गामा l यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड जिसमें फॉल कर रहे हैं, d इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स में, हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल के पार्टिकल्स वाटर में कैसे सेटल हो रहे हैं। तो जो हमारा फ्लूइड है वो वाटर है, तो यहाँ पर जो गामा एल है दिस विल बिकम गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड ईटा विल बिकम विस्कोसिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल बेटा मिनी वर्ल्ड सेम है, ये ग्रेडेशन मतलब बेटा बिल्कुल यही है, पार्टिकल साइज। पिपेट भी यूज करते हैं बेटा, पिपेट भी यूज होता है इन केस ऑफ क्या कहते हैं पार्टिकल ग्रेडेशन में, हम पिपेट मेथड भी यूज करते हैं, बट पिपेट मेथड से बेहतर हाइड्रोमीटर मेथड होता है। जैसे आप बुक्स देखेंगे तो दोनों मेथड्स दिए जाते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट मेथड है या जो ज्यादा यूजफुल है, जिसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, वो हाइड्रोमीटर होता है। तो इसीलिए सारा कंसंट्रेशन हाइड्रोमीटर पे ही डाला जाता है और एग्जाम में भी हाइड्रोमीटर से ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पार्टिकल साइज डबल हो गया ट्रिपल हो गया तो सेटलिंग वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टोक्स लॉ है वो 0.2 mm से लेकर 0.3 बारी 0.2 mm तक ही वैलिड होता है, इसके आगे इस रेंज के अलावा वैलिड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। अगर 0.2 mm से पार्टिकल साइज बड़ा हो तो हमें बोलते हैं इतना बड़ा पार्टिकल है कि जब ये सेटल होता है तो टर्बुलेंस जनरेट होती है, तो सेडिमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर पार्टिकल 0.002 mm से छोटा है तो ये वर्टिकली सेटल डाउन होता ही नहीं है, फिर ऐसे लहराता हुआ सेटल डाउन होता है। और इस जिगजैग मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जो हमने स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स में पढ़ा था, तो ये आपने याद रखना है। अब स्टोक्स लॉ के लिमिटेशंस हैं। पहला, क्ले की बात करें, बेटा हमने पढ़ा क्ले फ्लेकी शेप का होता है, तो क्ले तो स्फेरिकल नेचर का ही नहीं है, और स्टोक्स लॉ ने तो बोला है कि पार्टिकल स्फेरिकल नेचर का होना चाहिए, तो ये इसका पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा, देयर इज नो इनफाइनाइट एक्सटेंट, हम ये मान रहे हैं कि पार्टिकल लाइफ लॉन्ग सेटल होता जा रहा है, लाइफ लॉन्ग फॉल हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मेन हमें क्या करना होता है, हम सॉइल का सस्पेंशन क्रिएट करके इसकी स्टडी करते हैं कि भाई पार्टिकल सेटल कितने टाइम में हुआ। भाई एक टाइम आएगा जब पार्टिकल बॉटम ऑफ द बीकर को टच कर लेगा, तो जो बीकर है वो इनफाइनाइट है ही नहीं, वो तो फाइनाइट है। हो सकता है पार्टिकल अपनी टर्मिनल वेलोसिटी रीच करने से पहले ही बीकर के बॉटम को टच कर ले, तो टर्मिनल वेलोसिटी तो आई नहीं। तो दूसरा इसका लिमिटेशन ये हो गया कि देयर इज नथिंग लाइक इनफाइनाइट एक्सटेंट, ये दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा, फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए थोड़ा सा फायदा क्या हो गया क्ले मिनरोलॉजी सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ने का, हमने पढ़ा था कि जो क्ले है इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, और इस वजह से क्ले में सरफेस फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से क्ले के पार्टिकल आपस में चिपकते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लॉक,
फ्लॉक क्या होता है, जब क्ले के बहुत सारे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, तो इस टर्म को बोला जाता है फ्लॉक। अब क्या हो रहा है भाई, हमें तो इंडिविजुअल क्ले पार्टिकल के बारे में पता करना चाहिए। तो मतलब मान लीजिए 1 माइक्रोन का क्ले का पार्टिकल है, इसकी स्टडी करनी थी। पता चला 1 माइक्रोन जुड़ते जुड़ते बन गया 10 माइक्रोन। अब ये 10 माइक्रोन तो कैटेगरीली सिल्ट बन गया, ये तो क्ले रहा ही नहीं। तो क्या हो गया, फ्लॉक्स बनने की वजह से पार्टिकल अपनी ओरिजिनल बिहेवियर या ओरिजिनल नेचर को शो नहीं करते, तो ये फ्लॉक्स नहीं बनने चाहिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्लॉक्स ना बने तो हम डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। दो डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट हैं, सोडियम ऑक्सालेट एंड सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, बहुत आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, थोड़ा हमने पहले भी यहां तक पढ़ा हुआ था कि लिमिटेशंस क्या है। अब ये हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस की थ्योरी हो गई। अब मेन चीज आती है कि कैसे हम परसेंट फाइनर निकालते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का। इसके लिए ब्लैंक शीट लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोमीटर क्या है, थोड़ा सा पहले हाइड्रोमीटर महाशय के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर, देखिए हाइड्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है जो अपनी रीडिंग्स की बेसिस पर किसी भी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी रिवील कर देता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पेट्रोल। पेट्रोल में मिलावट हुई है नहीं हुई है, जैसे भाई मिलावट की जाती है पेट्रोल में, पता है आपको। अब मिलावट हुई है नहीं हुई है, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल लेते हैं और उसमें हाइड्रोमीटर डाल देते हैं। हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके से, ये हाइड्रोमीटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ ग्रेडेशंस होती हैं, वैल्यूज लिखी होती हैं, और इन वैल्यूज को, जैसे आपने क्या करा, एक ग्लास लिया, ठीक है, मान लीजिए एक बीकर लिया, इसमें जिस फ्लूइड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है वो डाल दिया और हाइड्रोमीटर ड्रॉप कर दिया। तो हाइड्रोमीटर जब आप ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोमीटर जहां पर फ्लूइड के सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे आपने बीकर में डाला और यहां सरफेस इंटरसेक्ट हो गया, तो आपको हाइड्रोमीटर पे जो ग्रेडेशंस होती है उसके बेसिस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इस फ्लूइड की, इस लिक्विड की डायरेक्टली पता चल जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अ हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस थ्रू विच द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज फाइंड आउट, ठीक है। अब इस हाइड्रोमीटर का हम यूज कैसे करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, वो हमें पढ़ना है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम हाइड्रोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा प्यारा हाइड्रोमीटर है, ये किसी भी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करता है। अगर हम इसकी फिगर बनाएं, तो हाइड्रोमीटर दो पार्ट में होता है, इस तरीके से है ये नीचे मरकरी है, यहां पर, यहां है ग्रेडेशंस। जैसे थर्मोमीटर में ग्रेडेशंस होती है ना, आप उनको देख के वैल्यू पता करते हो, ऐसे ही इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन स्केल, ठीक है। और ये हो गया बल्ब, इसको बल्ब बोलते हैं। पानी में आपने हाइड्रोमीटर को छोड़ा या किसी भी सॉल्यूशन में, थोड़ा पहले ऊपर नीचे होगा फिर रुक जाएगा, तो जहां पर फ्लूइड हाइड्रोमीटर की वैल्यूज को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से डायरेक्टली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जैसे जैसे आप नीचे आओगे जो वैल्यूज हैं वो बढ़ेंगी, तो 0.995 से वैल्यू स्टार्ट होते हैं। बहुत टाइप के हाइड्रोमीटर है, जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स में यूज होना है उसमें लोएस्ट वैल्यू है 0.95,
और ये बढ़ती चली जाएंगी और सबसे लास्ट वैल्यू होती है 1.030। तो ये आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल गई, क्योंकि हमें तो सॉइल सॉल्यूशन के बारे में पता करना है। तो जैसे आपने एक सॉइल में इसको मिला दिया, ठीक है, आपने क्या करा, सॉइल लिया, पानी में घोल दिया उसको, हाइड्रोमीटर ड्रॉप कर दिया, और मान लीजिए हाइड्रोमीटर की वैल्यू यहाँ इंटरसेक्ट हुई, तो आप बोलोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030। सो हाइड्रोमीटर के थ्रू आप सॉइल सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर लेते हो। सॉइल सॉल्यूशन का मतलब सॉइल प्लस वाटर का जो आपने सस्पेंशन बनाया है, आप इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर लोगे। अरे भगवान, बड़े सारे मैसेज आ रखे हैं भाई, एक मैं बच्चों वाला चेक कर लिया, बहुत कुछ आ रखा है। ग्रेवल में ग्रेविटेशन फोर्स, सब चीज हाँ सब चीज तो नकली है, मिलावट तो बहुत ही ज्यादा है आज के टाइम में। नहीं नहीं वर्नियर का नहीं है, वर्नियर ही बोला ना, नहीं नहीं वर्नियर नहीं होता बेटा, नॉर्मल, इसका अलग ही एक स्केल है, अलग ही तरीके से ये बनाया जाता है। इनफैक्ट अगर आप कॉलेज में अभी भी हो तो आपको ये दिख भी जाएगा, आपके लेबोरेटरीज में पक्का हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसकी वैल्यूज दूसरे तरीके से भी है, एक तो ये 0.995 है, और तरीके से भी होती है वैल्यूज। उसमें क्या होगा, जैसे जहां पर ये अभी आपको 1.030 दिख रहा है, यहां लिखा होगा 30। डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कैसा वाला ये हाइड्रोमीटर है। तो जैसे 30, अब यहां पर आपने 0.005 ऐड करते चले गए, ऐसे यहां पे करते चले जाइए, तो ये वैल्यू 30 हो गई, इससे पहले 25, 20, इस तरीके से। तो दोनों टाइप से हाइड्रोमीटर आते हैं। हाइड्रोमीटर जो आपको वैल्यू देता है, इस वैल्यू को बोला जाता है RH वैल्यू। जैसे कई टाइप के हाइड्रोमीटर है, कुछ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्ट बता देते, कुछ डायरेक्ट नहीं बताते। जैसे RH वैल्यू आई 30, अब RH वैल्यू 30 आ गई, तो भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी ये कैसे पता चले। तो जब RH वैल्यू आती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का तरीका होता है जो वैल्यू आई डिवाइडेड बाय 1000 और फिर इसमें 1 ऐड कर दिया, तो भाई 1.030। तो या तो आपके कॉलेज में ऐसा वाला हाइड्रोमीटर होगा जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्ट आ रही है, या ऐसा होगा जिसमें ये 30, 25, 20 इस तरीके से वैल्यू होंगी और आप इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालो। आपके मन में आ रहा होगा कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के बाद होगा क्या, ठीक है, बिल्कुल वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आपको ये पता करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली कैसे जाती है, ठीक है। अब इस RH वैल्यू में तीन टाइप के करेक्शन लगते हैं, ये जो RH वैल्यू आपकी आई है ये गलत है, इसमें कुछ करेक्शंस लगेंगे, हम अब उन करेक्शंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे हमने ये सीखा कि जो हाइड्रोमीटर है वो किसी भी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। कैसे बताता है, या तो डायरेक्ट ही आपको हाइड्रोमीटर के ग्रेडेशन से पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, पानी में आपने डुबोया किसी भी सॉल्यूशन में, जहां सॉल्यूशन का सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हाइड्रोमीटर के साथ वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, या फिर RH वैल्यू की टर्म्स में आएगा। जैसे मान लीजिए 20 पर इंटरसेक्ट हुआ, तो आप बोलोगे 20 डिवाइडेड बाय 1000 और इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। फिर ये जो RH वैल्यू होती है, इसमें तीन एरर आती है। अब इन तीन एरर को फिर करेक्ट किया जाता है और फिर एक्चुअल वैल्यू आती है RC। RC इज करेक्टेड वैल्यू और ये होती है RH प्लस जो भी एरर्स की वजह से चेंज आया उसको आप ऐड करते। तो अब हम ये देखते हैं कि एरर कौन कौन से आते हैं इसमें, ठीक है। तो करेक्टेड वैल्यू, तो जो RH है भाई उसमें आते हैं एरर, तीन टाइप के एरर हैं। पहला मेनिस्कस की वजह से, एरर ड्यू टू मेनिस्कस या करेक्शन ड्यू टू मेनिस्कस, इसको बोला जाता है CM। दूसरा करेक्शन टू टेम्परेचर, इसको बोला जाता है CT।
और तीसरा करेक्शन टू डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, इसको बोला जाता है सीडी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने बीच में इसको इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि ये ना टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लीक से हटके टॉपिक है। बच्चे इस टॉपिक में, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि थोड़ा उनको इस टॉपिक में दिक्कत तो आती, इसीलिए मैंने सैटरडे का दिन चूज करा कि बस यही टॉपिक पढ़ाना है और कुछ पढ़ाना ही नहीं। और ये वो टॉपिक है जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। और लगातार मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे के 80% मार्क्स आ गए, 100 में से 80 आ गए गेट में, बट 600 बच्चों के 80 से ज्यादा है तो उनकी रैंक बच्चे की 601 हो गई। तो ऐसा नहीं है कि 80 नंबर आ गए और हमें PSU मिल गया, नहीं, हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने और ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बाकी जनता को बड़े अजीब से लगते। तो अब ये तीन टाइप के करेक्शन है, इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई अब देखो करेक्शन हमने पढ़ा स्कूल टाइम में, पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो कौन सा करेक्शन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्यों, फॉर्मूला रटेंगे भूल जाएंगे, फॉर्मूला समझेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आता है मेनिस्कस करेक्शन। अब मेनिस्कस क्या होता है, हमें पता है कि भाई ये जो बना ये मेनिस्कस है। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे आप जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, जो मेनिस्कस बनता है इसका रीजन क्या है, मेनिस्कस बनता क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेनिस्कस। आपने तो ये स्कूल टाइम में भी पढ़ा है और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ये आता है। जैसे आपने देखा होगा ना पिपेट में, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि वैल्यू बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, वैल्यू ऐसे बनती है, ये मेनिस्कस बनता है। मेनिस्कस बनता क्यों है, एक सिंपल सा आंसर है इसका, कोई आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है कि मेनिस्कस बनता क्यों है, व्हाट इज द रीजन। वेरी गुड पार्थ, बिल्कुल सही, मेनिस्कस बनने का रीजन होता है सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही बात। देखिए मेनिस्कस में क्या होता है, हमें पता है जो हमारे लिक्विड्स हैं दो टाइप के हैं, या तो एडहेसिव है जैसे कि वाटर, या कोहेसिव है जैसे कि मरकरी। अब क्या होता है सरफेस टेंशन, थोड़ा सा सुन लीजिए, 2 मिनट की कहानी है ये, और बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बड़ा फायदा मिलेगा। सरफेस टेंशन एक्ट कहां करती है, सरफेस टेंशन एक्ट करती है इंटरफेस पे। इंटरफेस मतलब किसका इंटरफेस, जहां पर मैटर की दो डिफरेंट स्टेट मिलती हैं, जहां मैटर की दो डिफरेंट स्टेट मिलती हैं उस इंटरफेस पर सरफेस टेंशन एक्ट करता है। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि वाटर के केस में मेनिस्कस कॉन्वेक्स अपवर्ड्स क्यों बन रहा है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स क्यों बना, और मरकरी के केस में मेनिस्कस ऐसे क्यों बन रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है, क्योंकि मेनिस्कस समझ आ जाएगा तो आगे हम कैपिलैरिटी ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे तो वहां भी फायदा मिल जाएगा, वहां पर भी हमने ये सब पढ़ना ही है। सबसे पहले हमें एडहेसिव का मतलब पता होना चाहिए। एडहेसिव का मतलब होता है ऐसा एटम, ऐसा पार्टिकल जो दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के साथ बॉन्ड बनाए। जैसे जो ग्लू होती है उसको हम एडहेसिव भी बोल देते हैं, कि भाई ग्लू क्या करते हैं, दो डिफरेंट मटेरियल्स को जोड़ती है या किसी और मटेरियल के पार्टिकल के साथ जाके बॉन्ड बना लेती है। अब यहां मान लीजिए आपने एक ग्लास ट्यूब ली, एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब का मतलब एक सॉलिड स्टेट है, और इसमें आपने वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया। अब जो ये इंटरफेस है जहां पर ग्लास ट्यूब और पानी मिल रहा है, इस इंटरफेस पर सरफेस टेंशन एक्ट करना स्टार्ट करेगी। अब वाटर की है एडहेसिव नेचर, एडहेसिव मतलब पानी ऐसा मटेरियल है जो अपने पार्टिकल के साथ बॉन्ड बनाने से ज्यादा प्रिफर करेगा दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के साथ बॉन्ड बनाना। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप पानी लीजिए एक मग में और दीवार पे फेंक के मारिए, सारा पानी एक साथ नहीं रहेगा, पानी फैल जाएगा, बिखर जाएगा और कुछ पानी चिपक जाएगा जाके दीवार से।
तो पानी की टेंडेंसी है दूसरे पार्टिकल के साथ बॉन्ड बनाने की, अपने पार्टिकल को इतना नहीं संभाल के, तो पानी फैलता है ना। अब जो वाटर इंटरफेस पर है, जहां पर सॉलिड और हमारा लिक्विड मिला, यहां पर जो पानी है, ये पानी क्या कहता है कि भाई मुझे तो, वाटर कहता है मुझे तो सॉलिड के साथ बॉन्ड बनाना है, मुझे नहीं बनाना लिक्विड के साथ, मुझे अपने पार्टिकल के साथ नहीं बॉन्ड बनाना। और बॉन्ड बना के उसके साथ वो निकल जाता है, चला जाता है उसके साथ, अपने पार्टिकल के साथ नहीं रुकता। तो हम ये मानते हैं कि जो वाटर इंटरफेस पर है, जो सॉलिड के साथ कॉन्टेक्ट में है, ये वाटर जो है ये चला गया ऊपर, ये साथ ही निकल गया इसके, तो पानी चला गया ऊपर, साथ जा रहा है। और जो पानी बीच में है, जो सॉलिड के कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो उधर ही रहा। अब जब आप इन सबको जोड़ दो, अब पानी यहां से मूव करके यहां चला गया, तो जो मेनिस्कस बनाया, जो वाटर प्रोफाइल बना, वो ऐसे बन गया इस तरीके से। तो ड्यू टू द एडहेसिव नेचर ऑफ द वाटर, मेनिस्कस की शेप ये बनी। अब कोहेसिव की बात करते हैं, मरकरी आपने देखा होगा कॉलेज लैबोरेटरी में, मरकरी रखा होता है प्रेशर ट्यूब्स में, कभी गिर जाए तो मरकरी को पकड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मरकरी हाथ में आएगा ही नहीं, वो किसी और पार्टिकल के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता, वो तो सिर्फ अपने पार्टिकल के साथ बॉन्ड बनाता है। उसी तरीके से जो मरकरी सरफेस के साथ है, ठीक है, और जो मरकरी किसी भी इंटरफेस में नहीं, जो किसी सॉलिड के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं, वो कहते हैं भैया जो मरकरी कॉन्टेक्ट में है सॉलिड के साथ, हमें उससे बात नहीं करनी, हमें तो आपस में बॉन्ड बना के रखना है। तो हम ये बोलते हैं कि जो अंदर वाला मरकरी है, जो किसी भी कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये साथी पार्टिकल को बोलता है कि घर निकाला कर देता है, कि भाग जाओ यहां से। तो एक्चुअल सरफेस ये होना चाहिए था, बट जो कॉन्टेक्ट वाले ये उनको छोड़ देते कि तुम जाओ, और ये नीचे आ गए पार्टिकल, और अब मेनिस्कस बना इस तरीके से। तो ये हो गया मेनिस्कस वाटर के केस में, और ये हो गया मेनिस्कस मरकरी के केस में रीजन के साथ। अब ये सरफेस टेंशन की वैल्यू, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू, ये सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है, और फिर यहीं से कैपिलैरिटी ऑफ सॉइल का कंसेप्ट आता है, या फ्लूइड मैकेनिक्स में कैपिलैरिटी का कंसेप्ट आता है। तो अभी हमने ये समझा कि भाई वाटर के केस में क्यों मेनिस्कस कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे हाइड्रोमीटर से इसका क्या रिलेशन है। मान लीजिए ये बीकर है, हाइड्रोमीटर आप क्यों यूज करते हो, हाइड्रोमीटर आप यूज करते हो सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। आपने हमारा प्यारा सा हाइड्रोमीटर डाल दिया पानी में, आपने कहा भैया पानी में डाल दो इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करो पानी में, ठीक है। अब पानी जैसे ही सरफेस सॉलिड, ये तो ट्यूब का ग्लास का बना हुआ, इसके कांटेक्ट में आएगा तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आ जाएगा और मेनिस्कस बनेगा, और मेनिस्कस विल बी लाइक दिस। अब हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैल्यू बढ़ती है हाइड्रोमीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे नीचे यहां वैल्यू 1.030 है, यहां मान लीजिए 1.010, तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो हाइड्रोमीटर की रीडिंग बढ़ती है। एक्चुअल में जरा कलर बदलू मैं यहां पर, एक्चुअल में ये वैल्यू आनी चाहिए थी, ये वैल्यू, ठीक है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं, एम्पलीफाई कर देता हूं, तो ये मेनिस्कस बना इस तरीके से। तो हमने ये समझा कि वाटर के केस में मेनिस्कस बना के, तो एक्चुअल वैल्यू ये होनी चाहिए थी, बट मेनिस्कस बनने की वजह से हमने ये वैल्यू देख ली, मतलब वैल्यू मिलनी चाहिए थी हमें ए, बट हमने वैल्यू देख ली बी। तो भाई हमारी तो करेक्ट रीडिंग आई नहीं, रीडिंग तो गलत हो गई, रीडिंग गलत हो गई तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्यूशन की गलत हो गई, ठीक करने के लिए तो हमें करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आप डाउनवर्ड्स आते हो वैल्यू बढ़ती है, मतलब हमें वैल्यू ज्यादा मिलनी चाहिए थी ए पर, बट हमें वैल्यू कम मिली बी पर, तो बेटा इतनी वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम ये बोलते हैं कि मेनिस्कस की वजह से जो करेक्शन होता है वो हमेशा ऐड होता है,
क्योंकि हाइड्रोमीटर हमेशा यूज होगा वाटर के सॉल्यूशन में, वाटर होगा और साथ में सॉइल होगा, तो हमेशा वाटर होगा, मरकरी में नहीं डालेंगे सॉइल को, ठीक है? तो हमेशा मेनिस्कस करेक्शन एडिटिव होगा। अभी हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि RC की वैल्यू RH प्लस CM प्लस माइनस CT माइनस CD होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बना कैसे फॉर्मूला, अभी तो चलो रट्टा मार के याद कर लिया, बाद में कैसे याद रहेगा। तो मेनिस्कस करेक्शन हमेशा एडिटिव होगा। पहले आप बच्चे जो ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन वाले बच्चों को तो एडवांटेज दूंगा मैं, उनका डाउट आएगा तो पूछा जाएगा, रिकॉर्डिंग वाले तो नहीं पता पूछ पाएंगे। बेटा क्या कोई मुझे, अच्छा क्या नहीं, ये समझ आया कि क्यों सीएम एडिटिव है? मैंने बोला था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक के लिए अलग से टाइम निकाला हुआ था कि ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है बट इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात बच्चों? इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है ये कि जो मेनिस्कस करेक्शन है ये पॉजिटिव है बट क्यों पॉजिटिव है, तो आपने इसका रीजन समझा। अरे अर्चित नहीं बेटा, बेटा था तो ये कॉलेज में भी, इनफेक्ट ये तो आपके प्रैक्टिकल में है, AKTU के तो यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल में भी है ये। बस ये है कि आपको पढ़ाया नहीं गया उस टाइम पर, और थोड़ी गलती आपकी भी है कि आपने पढ़ा नहीं। सिंपल शब्दों में ये याद रखिए कि हाइड्रोमीटर में जब आप डाउनवर्ड आते हो तो रीडिंग बढ़ती है। हाइड्रोमीटर में जब आप डाउनवर्ड आओगे तो रीडिंग बढ़ेगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए सबसे नीचे 1.030 और ऊपर 1.020, जब आप हाइड्रोमीटर को पानी में डालोगे तो मिनिस्कस बनेगा इस तरीके से। मिनिस्कस बनने के, यार ये तो हम केमिस्ट्री में पिपेट में भी पढ़ते थे। एक्चुअल वैल्यू आपको ये लेनी थी। भैया मैंने क्या बताया, रीडिंग कैसे लेते हैं हम, पानी में डाला और ये वाटर लेवल जहां सरफेस को इंटरसेक्ट करता है, बट वाटर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, ट्यूब को डालने की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से मिनिस्कस बनता है, और पानी का मिनिस्कस इस तरीके से बनता है। तो ये वैल्यू, ये वाली कंडीशन प्रैक्टिकली नहीं मिलती। क्या होता है, सरफेस पर, अभी मैंने पूरा समझाया कि जहां ग्लास ट्यूब और पानी मिलता है वहां पानी ऊपर उठ जाता है, तो मिलना चाहिए था आपको ये वैल्यू, बट मेनिस्कस की वजह से आपने ये वैल्यू उठा ली, आपने बी वैल्यू उठा ली, जबकि उठानी चाहिए थी, आपको ज्यादा वैल्यू लेनी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रहा है, बट आपने कम वैल्यू ले ली, तो इसका मतलब आपका जो मेनिस्कस करेक्शन आया वो एडिटिव होना चाहिए। लेनी थी वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लेनी थी वैल्यू 2, बट ले ली वैल्यू 1.5, तो 1.5 में कुछ ऐड करोगे तभी तो 2 आएगा, और ये जो ऐड कर रहे हो ये है मेनिस्कस करेक्शन। तो मेनिस्कस करेक्शन इज ऑलवेज एडिटिव। ठीक है, एक बारी दोबारा सुनना अर्चित, समझ में आएगा तभी। अब दूसरा आता है टेम्परेचर का क्या इश्यू है, टेम्परेचर का क्या केस है। देखिए जब आप लिक्विड का टेम्परेचर रेज करते हो तो इनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने क्या करा, हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है जब हाइड्रोमीटर यूज करा। मान लीजिए आपने 40 डिग्री सेल्सियस पर यूज करा हाइड्रोमीटर, ठीक है? सॉयल सस्पेंशन 40 डिग्री सेल्सियस पर है। अब इस वजह से होगा क्या, जो हमारा वाटर सॉल्यूशन है इसकी विस्कोसिटी घट जाएगी, ठीक है? अब बेटा ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनो, इसलिए मैं समझा रहा हूं, मैं रटवा भी सकता था कि ये फॉर्मूला रट लो, समझा मैं इसी ले रहा हूं। ये हमारा हाइड्रोमीटर है, ठीक है?
इसको आपने 27 डिग्री वाले पानी में डाल दिया। अब आपने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बेटा विस्कोसिटी घट जाएगी। विस्कोसिटी घटने का मतलब क्या है? जो हाइड्रोमीटर है वो ज्यादा अंदर चला जाएगा, सॉल्यूशन में ज्यादा अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्यूशन की विस्कोसिटी तो घट गई, विस्कोसिटी की वजह से ही तो उसने रोका हुआ था। अब जब पानी पतला हो गया तो हमारा हाइड्रोमीटर जो है वो पानी में ज्यादा अंदर जा पाएगा। ज्यादा अंदर जाने का मतलब क्या है, मैं लगातार बोल रहा हूँ, हाइड्रोमीटर में जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो रीडिंग बढ़ती है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, पानी पतला होने की वजह से, लेस विस्कस होने की वजह से वैल्यू पानी के अंदर ज्यादा चला गया। हाइड्रोमीटर रहना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो आपको वैल्यू कम मिली क्योंकि हाइड्रोमीटर ज्यादा अंदर चला गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको ही देख लीजिए, ठीक है, या ये है, ठीक है, तो ये हाइड्रोमीटर है मान लीजिए। अब ये हाइड्रोमीटर यहां पर, ठीक है, जहां ये आपको इसका कैप दिख रहा है, यहां तक होना चाहिए 27 डिग्री। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हाइड्रोमीटर क्या हो गया भाई, लेस विस्कस हो गया सॉल्यूशन, तो ज्यादा अंदर चला गया, पानी में ज्यादा अंदर चला गया, तो आपको वैल्यू मिली इधर। और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप हाइड्रोमीटर में नीचे आओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, तो मिलनी चाहिए थी ज्यादा वैल्यू, बट लेस विस्कस होने की वजह से हाइड्रोमीटर ज्यादा अंदर गया और वैल्यू मिली कम। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हाइड्रोमीटर में आपको वैल्यू कम मिलेगी। इसका मतलब ऐसे केस में आपको करेक्शन ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू मिली हमें कम, चाहिए थी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी, वैल्यू मिली कम, तो इस कम में कुछ ऐड करेंगे तभी तो ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखते हो तो टेम्परेचर करेक्शन जो है वो ऐड होगा। मान लो अभी आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो इसी का दूसरा रूप देख लो टेम्परेचर का ही, जब टेम्परेचर घटाएंगे। मान लो टेम्परेचर हमने कम कर दिया, वाटर ज्यादा विस्कस हो जाएगा, मोर विस्कस हो जाएगा। मोर विस्कस होने की वजह से 27 डिग्री सेल्सियस से मान लो आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे पानी, एक हाइड्रोमीटर पानी को यहां इंटरसेक्ट कर रहा था। अब पानी के विस्कोसिटी बढ़ा दी तो जो हाइड्रोमीटर है वो ज्यादा डीप जा ही नहीं पाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। तो आपको हाइड्रोमीटर पे वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए यहां मिल रही थी, यहां, ठीक है, मान लीजिए 1.020 मिल रही थी। अब विस्कोसिटी बढ़ गई और हाइड्रोमीटर ऊपर ही रह गया, ज्यादा अंदर जा ही नहीं पाया, कम ही हाइड्रोमीटर की बॉडी पानी के अंदर है, तो ऐसे केस में आपको वैल्यू मिल गई ज्यादा, 1.030 मिल गई। और ये तो ऑब्वियस भी है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता क्या है, किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अगर ज्यादा विस्कस हो गया सॉल्यूशन तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा दिखा रहे हैं वो, लेस विस्कस है तो इसका मतलब डेंसिटी कम दिखा रहे। तो यहां पर मिलना था हमें 1.020, बट ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से हाइड्रोमीटर ऊपर ही रह गया, वैल्यू मिल गई 1.030। तो वैल्यू मिली ज्यादा, मिलनी चाहिए थी कम, तो करेक्शन घटाना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, करेक्टेड वैल्यू में सबसे पहले आरएच वैल्यू जो एक्चुअल मिली, मिनिस्कस करेक्शन ऐड करा, टेम्परेचर करेक्शन ऐड होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और सब्ट्रैक्ट होगा अगर टेम्परेचर घटाएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है आपको क्या करना है, इस सेशन के बाद दोबारा सुनिए, 3 बारी 4 बारी सुनिएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ समझ आ जाएगा। मेन बात बस ये याद रखिए कि हाइड्रोमीटर में जब आप नीचे की तरफ आते हो, जब आप इसको बल्ब बोलते हैं, जब आप बल्ब की तरफ आओगे हाइड्रोमीटर में तो रीडिंग्स बढ़ेंगी, बस आपको ये बात याद रखनी, ठीक है, रीडिंग बढ़ेगी। सबसे बड़ी रीडिंग है 1.030, इसी पर सारा खेल चल रहा है, ठीक है। लास्ट आता है
डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट की वजह से जो करेक्शन है, बड़ा सिंपल है, डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डालने की वजह से सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बढ़ गई। जो आपने डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डाला, हमारा प्यारा सा जो सोडियम ऑक्सालेट या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाला, वो विस्कोसिटी बढ़ा देता है, और विस्कोसिटी बढ़ी तो ये केस तो वही हो गया जो भी हमने बोला कि टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर घटने में भी तो विस्कोसिटी बढ़ती है। तो जब आप डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डालते हो तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब हाइड्रोमीटर उतना डीप नहीं जा पाता है जितना जाना था। इस वजह से हाइड्रोमीटर पे वैल्यू ज्यादा मिलती है, और ज्यादा वैल्यू मिलने का मतलब करेक्शन शुड बी सब्ट्रैक्टिव। तो जो ये सीडी है, डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का करेक्शन है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस होता है। अर्चित, मैं बिल्कुल तुम्हारे क्वेश्चन से सहमत नहीं हूं। आईएएस में अच्छा मान लो नहीं आएगा तो नहीं पढ़ोगे? आएगा भैया, उसी में आता है ये। अब मैं स्केल ला रहा हूं और तुम मेरे सामने होते तो स्केल तो अभी तक पढ़ भी गया होता। अब समझो हाइड्रोमीटर क्या है। ये हमारा हाइड्रोमीटर है, ठीक है। नीचे की तरफ ग्रेडेशंस बढ़ रही हैं। मेरा ग्लास कुर्बान होने वाला है तुम्हारी वजह से। पानी कैसे पीऊंगा अब मैं? अब ये देखो, ये सामने देखो, ये ग्रेडेशन नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये आपने हाइड्रोमीटर डाल दिया पानी में, ठीक है। अब अगर पानी की विस्कोसिटी ज्यादा कर दी आपने, ज्यादा विस्कस हो गया, तो ये भैया ज्यादा अंदर जा ही नहीं पाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये दिख रहा है? एक मिनट चेक करने दो मुझे उधर स्क्रीन पर, ग्लास दिख रहा है क्या रखने के बाद? दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूं, अभी मैं ठीक कर लूंगा इस कैमरा को। अभी तुम सिर्फ ग्लास देखो, मुझे मत देखो। अब मान लो आपने, मैंने आपको ये बोला कि आपने जो टेम्परेचर है यार, नहीं वो लाने दो मुझको, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो विस्कोसिटी जो है वो घट गई, ठीक है। तो वैसे हाइड्रोमीटर इतना अंदर जाना चाहिए था, इतना। विस्कोसिटी घटने का मतलब क्या है भैया? ज्यादा अंदर चला गया, कोई फ्रिक्शन ही नहीं मिल रहा उसको। तो फ्रिक्शन कब मिला? तो वैसे वैल्यू इधर आनी चाहिए थी, ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए थी, ठीक है। मान लो 25 मिलनी चाहिए थी, अब अंदर चला गया तो पानी का सरफेस यहां टकराया, भैया ऊपर जाओगे तो वैल्यू घटेगी, मिली सिर्फ 22, तो भैया एक्चुअल वैल्यू जो मिली वो कम मिली, ठीक है। अब अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया होता तो मिलनी चाहिए थी 25, बढ़ा दिया तो मिल गई 22, तो भैया इसमें कुछ ऐड करोगे ना, तभी तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी। तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो सीटी आएगा पॉजिटिव। यही आपने टेम्परेचर घटा दिया, पहले मान लो इतना अंदर जा रहा था ये, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, विस्कोसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा? स्केल ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। तो वैसे आपको मिलनी चाहिए थी ये वैल्यू, बट ये ऊपर आ गया, तो वैल्यू मिलनी चाहिए थी कम, बट विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से वैल्यू ज्यादा मिल गई। भैया ज्यादा में से कुछ घटाओगे तब एक्चुअल मिलेगा ना, तो ज्यादा में से घटाओ कुछ तब एक्चुअल मिलेगा। तो अगर टेम्परेचर घटा दोगे, कम कर दोगे, तो सीटी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है नन्हे मेरे बच्चे? देखो मैं एक बात एकदम क्लियरली अगर बोलूं दिल से, सबके लिए, ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, और ये एक टीचर का लेसन मान लो, ये एक लेसन है। भागने से, अगर आप चीजों से भागोगे, चाहे वो एक क्वेश्चन हो चाहे लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, भागना कभी भी सॉल्यूशन नहीं। लायन किंग में रफीकी ने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था कि ईदर यू कैन रन फ्रॉम इट और यू कैन लर्न फ्रॉम इट। या तो आप उससे भागो, रन फ्रॉम इट और लर्न फ्रॉम इट। बैठो एक बारी तमीज से, ग्लास उठाओ, पानी डालना ग्लास में, स्केल ले आओ, ये 20 रुपए का स्केल है, 30 का होगा, 30 का स्केल ले आओ, इसको डालो, और हाइड्रोमीटर के कंसेप्ट के हिसाब से
ये ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, इस तरीके से स्केल पकड़ो कि इंचेस नीचे की तरफ बढ़े और अपने आप कंसेप्ट समझ लो कि हाँ भैया क्या हो रहा है। और ये बहुत बहुत गलत धारणा है कि आईईएस में आएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल गलत। अगर ये एटीट्यूड रखोगे बेटा तो सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो जो हमारी करेक्टेड वैल्यू आएगी आर सी, ये हो जाएगी आर एच प्लस सी एम प्लस माइनस सी टी माइनस सी डी। तो डीफ्लॉक्युलेटिंग एजेंट हमेशा नेगेटिव करेक्शन है, मिनिस्कस हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि डीफ्लॉक्युलेटिंग हमेशा विस्कोसिटी बढ़ाएगा और मिनिस्कस की वजह से हमेशा वैल्यू कम मिलेगी। पूरा समझाया। सी टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और सी टी की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर टेम्परेचर घटाएंगे। ये बात याद रख लीजिए बच्चों, सिंपल टॉपिक पढ़ के आज तक कोई लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। अगर आपने अपने लाइफ में एक बड़े मुकाम पर पहुंचना है तो आपको ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जिसको देख के लोग ऐसे कांपते हैं और आप भी कांपेंगे। बिल्कुल आपको डर लगेगा बट इस डर को ही तो आपको जीतना है। ये डर ही है जिसको ओवरकम करना है। डर के आगे जीत हो ना ये मुझे नहीं पता बट डर के आगे सुकून है। जब आप डर को ओवरकम करते हो ना तो जो सुकून आपको मिलता है वो बियॉन्ड वर्ड्स है। और आपने भी अपनी लाइफ में कुछ करा होगा, फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाओ हाथ कांप रहे होते हैं, 20 बार ही गाड़ी रुकती है, डर भी लगता है कि लग ना जाए गाड़ी, बट स्टिल हम उसको कंटिन्यू करते हैं तभी हम गाड़ी सीख पाते हैं। कंसेप्ट फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आया, सेकंड टाइम में समझिए, थर्ड टाइम में समझिए। चैलेंज दे दीजिए खुद को कि कब तक समझ नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ाई करूंगा। कंसेप्ट कोई ऐसा थोड़ी है, रॉकेट साइंस थोड़ी है कि जो आज तक ये पता ही नहीं चल पाया कि हो कैसे रहे। सिंपल कंसेप्ट है भाई, ठीक है। तो करेक्टेड वैल्यू आगे बेटा, मैंने अपना ग्लास कुर्बान किया तो जो भी बच्चे लाइव है जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे समझ लेना भाई अच्छे से। अब मैं पानी कैसे पीऊंगा, उठ के जा नहीं सकता मैं यहां से, मेरा पानी चला गया। तो बेटा ये करेक्टेड वैल्यू आ गई। तो हाइड्रोमीटर में वैल्यू जो आपको आरएच वैल्यू मिली, इसको आरएच वैल्यू बोलते हैं, इस पर करेक्शन लगाने हैं और ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। गेट ईएसई हर एग्जाम में पूछा जाता है ये फॉर्मूला। और बाबी मुझे पता है अभी आप ऐसे मूछे ऊपर करके कि ये तो बड़ा सिंपल है ऐसे याद कर लूंगा इसे, बट जब एग्जाम जब 2 महीने बाद पूछूंगा ना मैं एकदम से कि हाँ भाई बताना क्या फॉर्मूला था करेक्टेड वैल्यू का, तो हाथ घूम जाएंगे उन बच्चों के जिन्होंने रट्टा मारा होगा, जिन्होंने समझा होगा वो दोबारा डिराइव कर लेंगे। विस्कोसिटी का खेल सारा जानते ही हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें एक इफेक्टिव हाइट। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये हमारा प्यारा सा हाइड्रोमीटर है, जो बल्ब है हमने माना उसकी हाइट h है। अब हमने इसको पानी में डाल दिया और मान लीजिए यहां वाटर सरफेस और हाइड्रोमीटर इंटरसेक्ट हुए, जहां पर ये इसको स्टेम बोलते हैं, जहां पर स्टेम और बल्ब इंटरसेक्ट करते हैं मतलब ये पॉइंट, इसको नेक बोला जाता है। नेक से लेकर जहां पर हाइड्रोमीटर वाटर के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हाइट h बोली जाती है, ठीक है। अब एक टर्म आती है इफेक्टिव हाइट, ये फॉर्मूला बहुत आता है एग्जाम में, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये इफेक्टिव हाइट होती है h, ये वैल्यू प्लस 1/2 h बल्ब की हाइट माइनस वी एच बल्ब की वॉल्यूम, ये हर हाइड्रोमीटर के मैनुअल में लिखी होती है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस जार, इस जार का क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपके दिमाग में आएगा कि चल क्या रहा है ये, चल ये रहा है सबसे पहले हमने हाइड्रोमीटर्स के थ्रू सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल ली। अब
एक ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ एच ई, इसको फॉर द टाइम बीइंग याद कर लीजिए। तो इफेक्टिव हाइट हमें पता चल गई कैसे, हमने ये देख लिया कि भाई नेक से कितना ऊपर है वाटर सरफेस, फिर ये एच की वैल्यू, ये वी एच, जब आप हाइड्रोमीटर खरीदोगे उसके मैनुअल में गिवन होगा, और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया जार का, वर्नियर कैलिपर से आप निकाल लो। तो अब आपके पास जी आ गया और एच ई आ गया। अब सुनिए क्या होगा, अब मेन हमारा स्टार्ट होगा। हमने क्या करा, बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में जो सॉइल सीव एनालिसिस के टाइम पर 75 माइक्रोन की सीव से पास हो गया था, जो फाइन ग्रेन सॉइल था, उसको लेकर आए और यहां पर डाल दिया। तो ये हमारा फाइन ग्रेन सॉइल हो गया। इसमें हमने क्या करा, डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डाला, लेट से सोडियम ऑक्सालेट डाला, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये बीकर है, तो सॉइल डाला इसमें और फिर सोडियम ऑक्सालेट डाल दिए ताकि फ्लॉक्स ना बने, और अच्छे से ऐसे 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 करके मिक्स कर दिए, ठीक। 100 ml मान लीजिए हमने सोडियम ऑक्सालेट की वॉल्यूम रखी। अब हमने इसमें डाला वाटर, पानी डाला, ठीक है। पानी की क्वांटिटी इस तरीके से रखी कि ओवरऑल सॉल्यूशन सोडियम ऑक्सालेट वाटर सब मिला के 1000 ml बन जाए। सबसे पहले बीकर लिया, बीकर भी ऐसे ही होते हैं, बस वॉल्यूम ज्यादा है। सॉइल डाला, सोडियम ऑक्सालेट डाला, पानी डाला और अच्छे से मिक्स कर दिया। इसी तरीके से ऐसे ही मिक्स करते। अब क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन में आ जाएंगे, सस्पेंशन में आ जाएंगे पार्टिकल्स। अब हम क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे। बच्चों ये बात याद रखिए कि अगर सब कुछ इतना ही आसान हो रहा होता ना, तो आज हर कोई आईईएस ऑफिसर या पीएसयू में बैठा 15 से 20 लाख रुपए आराम से कमा रहा हो। और ये वो टॉपिक है जो मेरिट में लेके आता है, अभी आगे जाके सीपेज फ्लो भी आएगा। बड़ा आसान है क्विट करना। छोड़ दो यार, अरे ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, बट अगर एक बार ही क्विट करने की आदत पड़ गई ना, तो सिर्फ क्वेश्चंस में नहीं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आप हर जगह क्विट करना स्टार्ट कर दो। लाइफ में कोई डिफिकल्टी आएगी, छोड़ दो यार, नहीं कर रहे, नहीं करेंगे, अलग। आप कहां तक क्विट करोगे, कब तक क्विट करोगे? अगर हर जगह क्विट ही करते रह गए तो फिर कहां आगे, तो बढ़ना बहुत बड़ी बात है लाइफ में, इंसान पीछे हो रहा जाएगा। एक चैलेंज की तरह से लीजिए, और एक कोट को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, दैट यूनिवर्स ऑलवेज फॉल इन लव विद अ स्टबर्न हार्ट। एक स्टबर्न हार्ट बनिए, जिद्दी बनिए। जिद्दी मतलब करियर को लेकर, क्या मुझे पहुंचना है इस मुकाम तक। जिद्दी ये नहीं कि पापा मुझे 40,000 का फोन दिलाओ तभी खाना खाऊंगा, वो तो बहुत ही घटिया हरकतें होती हैं। जिद लीजिए करियर को लेकर। तो ये नहीं कि अरे छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, क्या करना पड़ के, पढ़ना ही, ठीक है, इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं बोल देता सीधा सीधा कि हाँ बेटा आरसी का फॉर्मूला रट लो। ये बोला भी जाता है कॉलेज में, हो सकता है यही सुन के आ रहे हो, समझाया है पूरा फॉर्म। तो अब आपको इन पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन पढ़ना है, और इसके बेसिस पर आप परसेंट फाइनर निकालते हो। अभी हमने पढ़ा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, गामा एस माइनस गामा डब्लू 18 eta इंटू डी स्क्वायर। भाई हमने पढ़ा है जी की वैल्यू क्या होती है, गामा एस बाई गामा डब्लू। तो गामा एस की जगह आपने क्या लिख दिया, जी गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू 18 eta इंटू डी स्क्वायर। तो जो कोई आपने कोई एक पार्टिकल लिया कि हाँ भाई एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, इसकी आपने एनालिसिस करा। अब आपने क्या करा, अपने पास एक स्टॉपवॉच रख ली टाइम के लिए, और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स जैसे 1 minute, 2 minute, 4 minute, 8 minute 15 मिनट, 30, 1 घंटा,
2 घंटे, 4 घंटे, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू है HE. HE का फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, H प्लस स्मॉल H बाई टू, उप्स, 1/2, सॉरी, H माइनस VH बाई A. क्या होगा टाइम के साथ, जब पार्टिकल सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे तो हमारा हाइड्रोमीटर भी थोड़ा थोड़ा सेटल डाउन होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये तो सस्पेंशन सिर्फ, ये तो है नहीं कि सिर्फ लिक्विड है यहाँ पे, यहाँ तो लिक्विड के साथ सॉइल भी है. टाइम के साथ पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, तो आप ये बोल सकते हो कि टाइम के साथ जब पार्टिकल सेटल डाउन होंगे तो हाइड्रोमीटर भी धीरे धीरे सेटल डाउन होगा. तो ये जो एच है, एच क्या बताया था मैंने आपको, नेक से पानी के सरफेस तक की वैल्यू. तो एच की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी, पानी में हाइड्रोमीटर और सेटल डाउन करेगा, कैपिटल एच की वैल्यू बढ़ेगी. तो आप ये देखोगे कि जो आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स लिए हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, उन पर इस एच की वैल्यू क्या थी, और वहां से आप इफेक्टिव हाइट निकालोगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तीनों तो कांस्टेंट है, ये बदल रहा है क्योंकि टाइम के साथ हाइड्रोमीटर ज्यादा अंदर जा रहा है पानी में और एचई की वैल्यू बढ़ रही है. तो बेटा हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर एचई की वैल्यू मिल गई. अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेट से हमने बोला कि किसी टाइम पर एच ई निकालो. एच ई एक तरीके से होता है कि एक पार्टिकल का आप ये पढ़ रहे हो कि कितना डिस्टेंस सेटल कर रहा है. तो हमने माना कि लेट से एच ई डिस्टेंस वो सेटल कर रहा है टी टाइम में, तो यही वेलोसिटी है. और भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, G-1 स्टोक्स लॉ लगा दिया, 18 ईटा इंटू डी स्क्वायर. एच ई आपको पता है किस टाइम इंटरवल पर है, टी आपको पता है स्टॉपवॉच से आप देख रहे हो, वाटर की विस्कोसिटी पता है, सॉल्यूशन का जी पता है, हाइड्रोमीटर ये जी निकालने के लिए यूज हुआ था, गामा डब्ल्यू पता है, तो आपको डी पता चल जाएगा. आपको ये पता चल जाएगा कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल साइज किसी हाइट एच ई पर कितना है. अब ये पार्टिकल साइज कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो चुका होगा. अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एच ई बाई टाइम इंटरवल जी माइनस वन गामा डब्ल्यू 18 ईटा इंटू डी स्क्वायर. ये जो डी है ये है पार्टिकल साइज किसी हाइट एच ई. मुझे पता है ये टॉपिक मैंने इसीलिए बीच में नहीं पढ़ाया था, मुझे पता था 4-5 बच्चों के मुंह से झाग निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं है उसका. अभी भी निकल गया होगा, अभी कुछ देर बाद सिर्फ मैं दिखूंगा यहाँ पे, आएगा वन वॉचिंग नाउ और वो वन मैं ही हूँ. आई नो दिस, बट आई कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक. एज अ टीचर इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन मेंशनड इन योर सिलेबस. दिस इज मेंशनड इन योर सिलेबस एंड रेगुलरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. अब हमें पता करना है परसेंट फाइनल. हम ये पता करेंगे कि इस पार्टिकल साइज डी से कितने परसेंट फाइनल पार्टिकल्स हैं. जरा थोड़ा मैसेज देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ. भैया जिनके मुंह से झाग निकल गया है, ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, बेहोश हो चुके हैं, घर वालों ने उठाया, लिख दे, बता दे. 10^-3 होती है शायद पानी की विस्कोसिटी. इतना सारा कैसे याद रखे सर? मेहनत करके, मेहनत करके याद रहेगा. जब कई कई बारी पढ़ोगे तब याद रहेगा. बिल्कुल है बेटा, एक्स्ट्रा तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा. एक्स्ट्रा मैं क्यों पढ़ाऊं आपको भाई, वैसे ही सिलेबस इतना ज्यादा है, एक्स्ट्रा का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है.
अनफॉर्चुनेटली कॉलेज टाइम पे पढ़ाया नहीं जाता है। कॉलेज टाइम पर अगर टीचर्स थोड़ा सा मेहनत देके बच्चों को यही बता दे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हें पढ़ लो, तो बच्चे का बहुत फायदा हो जाए। फीस लेते हैं लाखों में और पैसों का भी नहीं पढ़ाते। बहुत बढ़िया मिनी वर्ल्ड, चलो कोई तो है जो एनकरेजिंग है। तो अब मैं आपको परसेंट फाइनर का एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूं, आप बस इतना पढ़ लो। तो थोड़ा सा मैं हताश और निराश हुआ आप लोगों की बातें सुन के। अगर मैं पोल करूं तो भाई जो आपके विचार है बाकी बच्चों के भी वही विचार होंगे। इतनी मेहनत से एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था मैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टोक्स लॉ पर बेस्ड है। रिवीजन देख लो, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टोक्स लॉ में आप टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी निकालते हो, जिसका फॉर्मूला ये है। डेरिवेशन आप इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल में पढ़ोगे। हाइड्रोमीटर के थ्रू सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है, और ये हाइड्रोमीटर किसी भी सॉल्यूशन की डायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी बता देता है। देखने में ये हाइड्रोमीटर इस तरीके का है। यहाँ ग्रेडेशंस होते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं और इसको बल्ब बोलते हैं। स्टेम जहां पर एक सॉल्यूशन को इंटरसेक्ट करता है वहां से डायरेक्ट हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाती है, नहीं तो कई बारी आरएच वैल्यू की टर्म्स में आता है। जैसे मान लीजिए 30 पर इंटरसेक्ट हुआ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 30 डिवाइडेड बाई 1000 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1.030। या तो इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, या हो सकता है आपका जो वो क्या कहते हैं उसे हाइड्रोमीटर, वो डायरेक्ट ही वैल्यू बता दे। ठीक है, फिर तीन टाइप के एरर आते हैं। तो करेक्टेड वैल्यू के लिए आरएच में मेनिस्कस करेक्शन ऐड, टेम्परेचर करेक्शन प्लस या माइनस, और डीफ्लोक्युलेटिंग एजेंट हमेशा माइनस। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और नेगेटिव होगा अगर घटाएंगे। फिर हमने क्या करा, एक और कंसेप्ट पढ़ा इफेक्टिव हाइट का। ये इफेक्टिव हाइट होती है h प्लस 1/2 h माइनस VH/A। ये h बल्ब की हाइट है, VH वॉल्यूम ऑफ द बल्ब है, मैनुअल में गिवन होती है। नेक से लेके वाटर सरफेस तक की हाइट है h। टाइम के साथ क्या होगा, h ही बदलेगा। h ही वो हाइट है जहां पर पार्टिकल है। मतलब मान लीजिए जैसे ये बल्ब है, तो हम ये मानते हैं ये इंटरसेक्ट हुआ, हम ये मानते हैं कि ये पूरी हाइट h ही है। सेंटर ऑफ द बल्ब से लेकर वाटर सरफेस तक की हाइट को हम एच ही बोलते हैं। ठीक है, टाइम के साथ क्या होगा, सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन होंगे तो हाइड्रोमीटर भी सेटल डाउन होगा। इस वजह से कैपिटल एच की वैल्यू बढ़ेगी और इस वजह से एच ई की वैल्यू बढ़ेगी। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम एच ई की वैल्यू निकाल लेंगे क्या है। अब हमने पढ़ा कि गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू 18 ईटा डी स्क्वायर वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता है टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम ये देख लेंगे कि किसी टाइम टी पर सेंटर ऑफ द बल्ब पर कौन सा पार्टिकल साइज अवेलेबल था। जैसे मान लीजिए सब सॉल्व करके 1 माइक्रोन आ गया। ठीक है, आपको ऐसे बोला जाएगा कि 25 मिनट के टाइम पर एच ई की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, ये सब गिवेन होगा। तो अच्छा बताइए डी कितना है, तो डी की वैल्यू 1 माइक्रोन आ गई। अब हम ये पता करेंगे कि अब देखो जो भी पार्टिकल 1 माइक्रोन से बड़े होंगे, ठीक है, जो पार्टिकल जैसे मान लो 5 माइक्रोन का पार्टिकल है, जो बड़ा पार्टिकल है वो तो सेटल डाउन हो चुका होगा, क्योंकि हमारा स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो बड़ा पार्टिकल पहले सेटल होगा। तो जब आपने इस इक्वेशन से डी निकाला 1 माइक्रोन, तो मतलब 1 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल साइज जो है
वो सब सेटल हो चुके हैं। अब हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि परसेंट फाइनर क्या होगा। तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला ये है परसेंट फाइनर, ये है मेन फॉर्मूला। एम डी, एम डी मतलब ये जो अभी आपने ये पता करा कि गामा एस माइनस गामा ईटा और गामा डब्ल्यू 18 ईटा डी स्क्वायर एच ई बाई टी, ये जो डी पार्टिकल आप बोल रहे हो किसी टाइम टी पर एच ई पर है, इस डी पार्टिकल का मास कितना है, मास निकाल लो, फिर टोटल मास निकाल लो एम डी। ये एम डी है कि सॉइल का टोटल मास कितना था डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से, अब ध्यान से सुनो बच्चों, एम डी, डी पार्टिकल जिसका आपको पता करना है कि डी पार्टिकल का मास कितना है, ये एम डी निकालना सिखाऊंगा मैं अभी आपको, कि ये एम डी डिवाइडेड बाय ये एम स्मॉल डी है टोटल मास। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोमीटर में 50 mm सॉइल डाला, टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये है 1000 ml। ये फॉर्मूला लगा के परसेंट फाइनर n आएगा। अब इस md की वैल्यू पता करनी है, ये कैसे आएगी, थोड़ी सांसें ले लो। आई नो कि सांसें लेने में हो सकता है दिक्कत आ रही हो, वैसे ही ठंड बढ़ गई है, कोरोना अलग है और कंसेप्ट तो कोरोना से भी दो कदम आगे निकल चुका है। जरा मैसेज पढ़ लेता हूं, कोई बच्चा बेहोश तो नहीं हो गया कहीं। बात तो बेटा सही है। बेटा मिनी वर्ल्ड 30/100 करके स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1.3 रह गई, ये आपका स्टेटमेंट थोड़ा गलत है या आप कुछ और कहना चाह रहे हो। बिल्कुल सही बात है, पूरा ब्रह्मांड दो लॉस पर चलता है, चाहे छोटे से छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़े से बड़ा पार्टिकल हो। पहला है लॉ ऑफ सिमेट्री और दूसरा है मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हमारा पर्पस है, हमें ये देखना है भाई परसेंट फाइनर का मतलब क्या था। जैसे सीव एनालिसिस में भी हम परसेंट फाइनर पढ़ते थे तो हमें देखते थे पूरे सॉइल मास का कितना परसेंट ऐसा मास है जो इस पर्टिकुलर साइज से कम है, हम ये देखते थे। तो हम ये देखेंगे एम डी कि जो ये डी आया स्टोक्स लॉस है, इसका मास कितना था, ये बस एम डी निकालना सीख लो, फिर तुम्हारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये आसान है। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आप बड़े से बड़े बुक्स देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, मोस्टली ये टॉपिक स्किप कर दिया जाता है, बट ये एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, गेट में, सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है। अगर आप पिछले दो साल का ट्रेंड देखोगे ना गेट का, ऐसे क्वेश्चंस गेट में आए हैं जो कभी पहले आए ही नहीं थे, कभी नहीं आए। तो बेटा अब ट्रेंड बदल रहा है, गेट के जो पेपर सेट कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो PYQs कर रहे हैं, क्योंकि जब हम थे स्टूडेंट 2011 में तो इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, 10 या 12 हजार सिविल में बच्चे बैठे थे, अब यही वैल्यू बढ़ के लाखों में जा चुके। तो जो एग्जाम सेट कर रहे हैं वो भी नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और जो टॉपिक्स पहले रिडंडेंट थे, जो टॉपिक्स पहले नहीं पूछे जाते थे, अब उनसे पूछा जाना स्टार्ट कर दिया गया। अब बिल्कुल दो साल का एनालिसिस करो पिछले और आपको खुद अपने आप तस्वीर पता चल जाएगी। अब हमारा पर्पस है ये पता करना कि जिस डी पार्टिकल से हम बोल रहे हैं कि भाई इस डी से फाइनर पार्टिकल, ये एम डी निकालना, एम डी का मतलब है मास फाइनर देन पार्टिकल साइज डी। ये डी आया गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू 18 ईटा इंटू डी स्क्वायर एच ई बाई टी से, एच ई का फॉर्मूला बताया, टी स्टॉपवॉच से आया, सारा डेटा पता है। एक बार ये एम डी पता चल गया तो परसेंट फाइनर का फॉर्मूला
निकाल के एन की वैल्यू आ जाएगी एम डी अपॉन एम डी स्मॉल वी इंटू 100। ये एम डी टोटल मास है। अब सुनिए, मान लीजिए हमने ये बोला कि वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन एट एच ई, किसी हाइट एच ई पर हमने वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन देखी तो वो 1 ml आई। ठीक है, आपने सॉल्यूशन में कोई भी एक हाइट देख ली और आपने बोला कि भाई इस हाइट या एच ई हाइट पर सॉइल की जो वॉल्यूम है, सस्पेंशन की जो वॉल्यूम है, वो 1 ml है। इस 1 ml टोटल वॉल्यूम में पानी भी है जो सस्पेंशन में तैर रहे, और जो पार्टिकल साइज डी है इसकी भी वॉल्यूम वीडी, वीडी हो गया जो पार्टिकल साइज डी है उसकी वॉल्यूम। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ सस्पेंशन में किसी हाइट एच ई पर, जैसे बीकर में हाइड्रोमीटर डाल दिया तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हाइट है एच ई हाइट, इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने बोला एच ई हाइट पे मान लो 1 ml सस्पेंशन की वॉल्यूम है, तो इस सस्पेंशन की वॉल्यूम में पानी की वॉल्यूम VW है, सॉइल की भी तो, पार्टिकल्स की भी तो कोई वॉल्यूम होगी, वो VD है। तो वाटर की वॉल्यूम आ गई 1 - VD। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत के बाद ये फॉर्मूला समझ में आता है और उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत करके समझाना पड़ता है। तो 1 - VD होगी, ठीक है, डी मतलब डी पार्टिकल की वॉल्यूम। अब हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, देखिए फॉर्मूला पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए सब कुछ सीजीएस में चल रहा है, तो भाई डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 g/cm³ से हट गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो डब्ल्यू 1 हो गया, तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो d पार्टिकल साइज की वॉल्यूम हो जाएगी मास ऑफ d पार्टिकल अपॉन g, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया 1 - MD/g। अब हमें पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉटर, बट पानी की डेंसिटी तो सीजीएस में 1 है, तो मास ऑफ वॉटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर, और ये हो जाएगा 1 - MD/g। तो 1 ml सॉल्यूशन में MD मास है सॉलिड पार्टिकल्स का, 1 - MD/g मास है वॉटर का। ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं तुम लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। एक मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि हाँ ये नहीं आता छोड़ दो इसको, बट मुझे पता ही आता है, और ये वो टॉपिक है जो आपको मेरिट में लेकर आएंगे। इंटरव्यू में जब मेरे सामने बच्चा बैठता है ना, और जब मैं 70,000 रुपए की नौकरी देनी होती तो मैं यही पूछता हूँ, क्योंकि बाकी सब सब पढ़ के आ रहे हैं, ये वो टॉपिक्स है जो वो बच्चा पढ़ता है जिसको आगे बढ़ना है लाइफ में, जिसको ये देखना है कि हाँ भाई कंसेप्ट सीख रहे हैं। प्लीज पढ़ लेना, चेहरे दिख रहे हैं मुझे तुम लोगों के, महसूस कर पा रहा हूं मैं। तो मास ऑफ वाटर हाइट एच ई पर 1 - MD/g है, और मास सॉलिड्स का MD है, तो टोटल मास कितना हो गया 1 - MD/g। और MD हो गया मास ऑफ सॉलिड। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा डेंसिटी बताओ, इतने पार्ट की डेंसिटी, तो डेंसिटी एट या डेंसिटी ऑफ ये 1 ml सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी, भाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1 ml सॉल्यूशन का मास क्या हो गया 1 - MD/g,
प्लस एम डी। और बेटा सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो हम बोल ही 1 ml रहे हैं, तो ये तो 1 है ही, तो देन मास आ गया, जो 1 ml सॉल्यूशन का मास आ गया वो आ गया 1 - MD/G प्लस एम डी। अब मान लीजिए बस हो गया ये क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा इसमें। मान लीजिए RH वैल्यू 30 आई, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगा, 30/1000, और इसमें 1 ऐड कर दिया तो 1+0.03, 1.030, ठीक है। अब RH वैल्यू 30 की जगह RH वैल्यू लिख देते हैं, वैसे करेक्टेड वैल्यू होती है तो RC लिख देते हैं, करेक्टेड वैल्यू Divided by 1000। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के। CGS में काम चल रहा है इसलिए ये सब हो रहा है। तो जो G है ये सॉल्यूशन की तो डेंसिटी बताता है, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 1+RC/1000। मेरे प्यारे बच्चों मैं रो पड़ूंगा, ये भी क्या है, ये भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1 - ये देखो यहाँ पे लिखा भी है डेंसिटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, 1 - MD/G + MD, बस इसको इसके इक्वल कर दो, 1 - MD/G + MD। करेक्टेड वैल्यू पता है, जी आपको पता चल गई यहां से, ठीक है, MD निकाल लो आप। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये कट गया यहां से, थोड़ा सॉल्व भी करके देख लो भैया, बहुत मेहनत से सिखाया है, ये नहीं कि स्किप करके सीधा जोश में। हर टॉपिक बेटा अब ये थोड़ी है कि एकदम फुल का होगा कि बस गए और खा के आ गए, कुछ में तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। 1 - 1/G MD हो गया, सोचो कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं। तो मेरा मार्कर कहाँ गया, RC/1000 G/G-1, ये आ गई MD की वैल्यू। कमेंट आने लगातार, तो समझ आ रहा है, इट नेवर रिपीट बट मॉडिफाइड द कंसेप्ट। अरे भगवान क्या क्या हो गया। हाँ चलो बेटा ये फॉर्मूला, मेरा फर्ज है कि मैं एक फॉर्मूला मैं लिखवाऊं तो उसको समझाऊं भी। अब परसेंट फाइनर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, MD/TMV × 100। MD की वैल्यू ये रही RC/1000 G/G-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m d टोटल मास, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है जो कि 1000 थी, और ये 100 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से 8000 कट गया, तो परसेंट फाइनर आ गया RC G G-1 MD × 100। बहुत आसान था मेरे लिए कि ये फॉर्मूला ऐसे आता है, रट लो। बट भैया क्यों रट लो जब समझ सकते हो, तो एक बारी से सुनना बेटा, शांत मन से ध्यान से, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ समझ आ जाएगा। मुझे भी तो समझ आया, तो ऐसा थोड़ी है कि टीचर कोई अलग से भगवान टीचर के अंदर कंपोनेंट डाल देते हैं। एवरी टीचर इज अ स्टूडेंट, सास भी तो कभी बहू थी, हम भी कभी स्टूडेंट ही थे। बस ये है कि कुछ चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए, और ये मैं बात आपको बोल रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे क्वेश्चन गेट के SE=WG से ही हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। तो भैया ये फॉर्मूला है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है, तो परसेंट फाइनर देन डी
will be corrected value total mass g minus 1 upon oops ye ulta kar de g upon g minus 1 g upon g minus 1 into 100. और ये बात याद रखिए, जो भी नॉलेज आप गेन करते हो किसी ना किसी दिन जरूर काम आएगी। हो सकता है किसी दिन आप कहीं ये समझा रहे हो कि परसेंट फाइनर देन डी सेडिमेंटेशन एनालिसिस में इस तरीके से आता है और कोई इतना इंप्रेस हो जाए आपसे कि आपको एक बढ़िया नौकरी ऑफर कर दे। मेरे साथ तो हुआ है, मैं ट्रेन में जा रहा था, एक सर थे आईआईटी चेन्नई से, उनका केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक था और स्टैनफोर्ड वर्ल्ड की मानी हुई यूनिवर्सिटी से एमबीए था उनका। तो कुछ बात हुई तो मैं ऐसे कुछ डिस्कस कर रहा था, वो इतना इम्प्रेस हुए कि एक स्टार्टअप के लिए उनका मुझे ऑफर भी आया। आई वॉज हैप्पी इन टीचिंग, आई एम हैप्पी इन टीचिंग, तो आई रिस्पेक्टफुली डिनाइड इट, डिक्लाइंड इट। तो बेटा ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जब आप कुछ सीखते हो ना, वो आपको सिर्फ ऐसा नहीं एग्जाम्स में हेल्प करेगा, वो आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। और इम्प्रेशन एक बार आप क्रिएट कर दोगे किसी पर तो फिर तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है। समझ आया किसी को मेरे अलावा? मेरे प्यारे बच्चों एक बार कल की क्लास से पहले समझ लेना, यही अगर मुझे तुम लोग दिख रहे होते तुम्हारी आंखें बोल लेती, बट अभी तो तुम्हारे वर्ड्स ही समझ पा रहा हूँ। किसी को समझ आया या किसी को भी, सबको तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, किसी एक आध को आया हो, आधे बच्चे को समझ आया हो। इसीलिए ये टॉपिक मैंने सैटरडे के दिन चुना, सैटरडे को वीकेंड होता है, दिमाग रिलैक्स होता है। यही मैं नॉर्मल दिन में पढ़ा देता तो तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता भैया? कमेंट आना बंद हो चुके हैं, कमेंट आ नहीं रहे हैं, बच्चे बेहोश। भैया कोई बेहोश तो नहीं हो गया? कोई है वहां या मैं ही हूं यहाँ? अरे आया आया, 100% तो नहीं, कोई बात नहीं, आई नो दिस कि ये आसान नहीं है बेटा। व्हाट यू कैन डू इज आप इसको एक बार ही वीडियो लेक्चर में ये देखना, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है वीडियो लेक्चर्स का। मान लीजिए नॉर्मल क्लासरूम होते, आप दो बारी में भी नहीं समझ पाए, टीचर दो बारी बता देता, तीसरी बारी टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि हमें ये होता है कि फिर सिलेबस कैसे कवर करेंगे। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी आप फिर से देखना एनालिसिस कैसे किया, तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पर है, 15 सेकंड बैक मारो, सुनते रहो जब तक आपको समझ नहीं आता। बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो अलग से। आपको मेन ये समझना है, एक तो आपको एच ई का फॉर्मूला याद कर लो, फिर एक ये गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू 18 ईटा डी स्क्वायर एच ई बाई टी। मेन ये परसेंट फाइनर जो एम कैपिटल डी है, इसका फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे, बस ये आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सेडिमेंटेशन एनालिसिस पूरा हाइड्रोमीटर ही खरीद के ले आओ और प्रैक्टिकल करो, इतना भी डीप मैं नहीं बोलूंगा, बस इतना याद कर लो सफिशियंट है। कल न्यूमैराथन है, कल मैं आपको जब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल कराऊंगा सिविल सर्विसेज के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये वो टॉपिक है जो मैरिट डिसाइड करेगा एक दिन। कुछ क्वेश्चन आपने देखा गेट के भी कितने इजी थे, हमने गेट के क्वेश्चन करे, बट हर क्वेश्चन इजी नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बहुत कम बच्चे करेंगे और वही फिर मेरिट में आएंगे, वही टॉप लेवल आईआईटीज में जाएंगे, उन्हें बेस्ट जॉब्स मिलेंगे। दोबारा देखे, तीन बारी देखे, चार बारी देखे, जब तक देखे जब तक समझ ना आ जाए। नहीं ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये टॉपिक आसान है, मेहनत वाला टॉपिक है, बट समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बियॉन्ड योर सिलेबस नहीं है, सिलेबस में है, जो कंसेप्ट यूज करा है वो भी सिलेबस में, ठीक है। कल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये यूज होता है, क्या तरीका है इसका। ये मैं बोलूंगा एक ऐसा टॉपिक है जो टाइम लेता है, इसीलिए मैंने सैटरडे का दिन चुना कि कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल स्टार्ट हो जाए, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक
ठीक है, वो चलता रहे कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, बीच में एक दिन आके सैटरडे को पढ़ा दो कि उसके दिमाग में चला जाए। कल मैराथन करेंगे 9 से 11 और बहुत कुछ सीखेंगे। दोपहर 3 बजे कल शाम को @3 PM 50 मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ ओपन चैनल फ्लो करेंगे, तो आ जाइएगा बच्चों। उसके साथ जो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ शेयर करी है, ये पीडीएफ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और उनको बोलिए कि अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप अनअकैडमी ऐप पर जाओ, वीडियो लेक्चर देखो सर का, ठीक है? बिकॉज ऐसे अगर आप करोगे तो भैया खुशी मिलेगी, हम हमारा भी थोड़ा नाम होगा, ठीक है? तो कल हम 50 क्वेश्चंस इन ओपन चैनल फ्लो करेंगे 3 बजे अनअकैडमी ऐप पर, और रात 9 बजे न्यूमैराथन है। बहुत नए क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। मंडे को हम कॉम्पेक्शन को फिर आगे बढ़ाएंगे, पार्ट 2 करेंगे। आई बिलीव मंडे को खत्म हो जाएगा कॉम्पेक्शन, तो ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे परमेबिलिटी ऑफ सोइल। हद इम्पोर्टेंट टॉपिक, महा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है बच्चों? थोड़ा अपने फ्रेंड्स को बोलो यार, चैनल सब्सक्राइब करें। देखो 874 सब्सक्राइबर्स है, 1000 तो कराओ, इसको जल्दी कराओ। ये नहीं कि अगले साल करा रहे हो, तुम लोगों के दोस्त होंगे किसी कॉलेज में ही तो पढ़ते होंगे, दोस्तों को क्यों नहीं बोलते हो कि चैनल सब्सक्राइब कर लो? कर नहीं रहे तुम लोग, सर का इतना सा काम नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, ठीक है बच्चों? तो जिन बच्चों के मुंह से झाग आया मैं उनसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि झाग निकले मुंह से, बट कंसेप्ट है, क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है? तो यही एक टॉपिक है, थोड़ा मुंह से झाग निकालना, बाकी सब आसान है, सो डोंट वरी। बट पढ़ना तो ये भी है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। परसेंट फाइनर का फॉर्मूला देख लीजिए कैसे आया, स्टोक्स लॉ तो आसान था, और ये स्टोक्स लॉ को जो इसके इक्वल कर है, ये वाला, और फिर एच ई का फॉर्मूला, एच प्लस, अरे भैया ये मैं बार बार एच क्यों लिख देता हूँ, 1/2 H-VH/AJ। कल न्यूमेरिकल कराऊंगा इससे रिलेटेड, तो काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी दोबारा से 2-3 बारी वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएंगी चीज, ठीक है बच्चों? मिनी वर्ल्ड आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, भले ना हो बट स्टिल बीइंग यूनिक इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों अब हम मिलेंगे कल 3 बजे, और कल ओपन चैनल फ्लो के न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ बेसिक रिवीजन भी मैं कराऊंगा, और लालच दे रहा हूं, लालच, देखो लालच क्या है। कल मैं आपको ये बताऊंगा, ये आपने एक कर्व देखा होगा डेप्थ और स्पेसिफिक एनर्जी के बीच में, इस तरीके से जो बनता है, कल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कर्व इस लाइन E इक्वल्स टू Y को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता, इस एक्सिस को क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता, और इसकी लोकेशन लाइन से आगे क्यों है, लाइन से ऊपर क्यों नहीं। बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखो गया। तो बच्चों आ जाना कल 3 बजे, ठीक है? सो टिल देन डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। वेदर बदल रहा है, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो रही है आजकल, बुखार, गला खराब एंड ऑल, ठीक है? तो मेक श्योर आप इन चक्रों में ना पड़ो, नॉर्मल पानी पियो, ठंडा बिल्कुल अवॉइड, खट्टा मीठा ये सब अवॉइड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है पढ़ाई का, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, और अगर 3-4 दिन बच्चे के तबियत खराब में निकल गए तो उसका काफी सारा कंसेप्ट मिस हो जाएगा, ठीक है? अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, चलो बच्चों अब मिलते हैं कल। टिल देन डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, सायोनारा, बाय बच्चों।